बीज अपने आप ही चला जाता है। मतलब कैसे? ये 70% तक जब इसको खोलेंगे तो बीज अपने आप चलेगा इसमें। अच्छा, 70%। हाँ, नमस्कार किसान भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में, और लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कमाल की जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी आलू लगाने का सीज़न चालू होने वाला है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आलू बोने की मशीन के बारे में, कितने की आएगी, कहां से मिलेगी, कैसे काम करती है, सारा कुछ बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं मजदूरों का झंझट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आपको खेती में काम करने के लिए मजदूरों की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, तो ये मशीन आपकी मजदूरों की समस्या को ख़त्म कर। चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम आपको इस मशीन के बारे में सारा कुछ बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपने बारे में बताएं और कंपनी का नाम बताएं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह, न्यू सुपर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स मेरठ से। जी, हम आलू की मशीनें बनाते हैं और हमारे पास हर तरीके की मशीनें मिलेंगी आपको। अच्छा। ऑटोमेटिक, मैनुअल, बेड वाली। अच्छा। आज कौन सी, इस वीडियो में कौन सी दिखाएंगे? इसमें हम आपको दो तरीके के मॉडल दिखाएंगे। अच्छा। एक तो ये है बेड वाली मशीन। अच्छा। प्रदीप जी, सबसे पहले आप हमें बताइए आपकी ये कंपनी कब से है, कब से काम कर रहे हैं आप? हमारी ये कंपनी सन 1980 से स्थापित है। 1980 से? हाँ जी, हाँ जी। और आप कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? हमारा ये ऑल इंडिया पूरी सप्लाई है। अच्छा, अगर कोई किसान भाई कहीं पर बैठे मंगा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप जहाँ भी चाहेंगे वहीं पर आपको डिलीवरी हो जाएगी। चलिए, अब हमें इस मशीन के बारे में बताइए, और आपके पास ये मैनुअल मशीन कौन कौन सी है? हाँ सर, ये मशीन है बेड वाली। अच्छा। ये एक बेड बनाएगी। अच्छा। इसमें एक लाइन में दो बीज पड़ेंगे। अच्छा। और इसमें ये खाद का सिस्टम भी साथ है, सब विद फर्टिलाइजर है। अच्छा, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, ये विद फर्टिकल स्पेसिफिकेशन, इस पर खाद की टंकी लगेगी ऊपर एक। अच्छा, अच्छा। और इसमें एक पाइप लग जाएंगे, जैसे ये लगी हुई है, जैसे ये पुरानी मशीन में लगी हुई है, तो इसी तरीके से इसमें नई मशीनों में लगेंगी। और ये विद आलू एक साथ, खाद और बीज दोनों एक साथ डलेगा इसमें, खाद और बीज दोनों। हाँ, इसमें खाद का रेशो भी बहुत अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा। कम बढ़ती 5 बीघे में 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो। अच्छा। 30 किलो आप उसी तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, जी। और इसमें बीज घटाने बढ़ाने की पूरी सुविधाएं है इसमें मशीन। यहाँ से भी इससे बीज कम बढ़ती हो जाएगा, इस गरारी से भी बीज कम बढ़ती हो जाएगा। अच्छा। जितनी आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं उतना बीज आप इसमें डाल सकते हैं। प्रदीप जी, हमें आप ये बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी है मशीन की? इसमें आप इसके टैंक में आप इसमें 6 बोरी आलू, 3 क्विंटल आलू इसमें डाल सकते हैं। 3 क्विंटल आलू की कैपेसिटी है, कैपेसिटी है इसमें। अच्छा। जी जी। और एक और इसमें दिन भर में आप लगभग 20 बीघा आलू करीब आप लगा सकते हैं। 20 बीघे 25 बीघे तक लगा सकते हैं आप इसमें पूरा आलू। हम कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको, इस पे कम से कम 30 HP का ट्रैक्टर इस्तेमाल करे होगा। 30 HP का? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम। अच्छा, जैसे आपने बताया इसमें मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है, ये मैनुअल मशीन है। जी जी। इसमें ये बेड तो अपने आप बनाएगी। हाँ हाँ। इसमें एक आदमी इधर, एक आदमी उधर, और आलू उठा के इसमें रखने पड़ेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मैनुअल मशीन में ये ऑप्शन है। अच्छा। और इसके साथ अभी दूसरी ऑटोमेटिक मशीन हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाते हैं। अच्छा। कि ऑटोमेटिक में किस तरह की वेट की, कितना वजन? वेट इसमें 3.5 क्विंटल वेट है इसमें। 3.5 क्विंटल वेट? हाँ जी, हाँ जी, 360 के आसपास होगा इसमें वेट। ये काम बहुत बढ़िया करती है, बेड बहुत अच्छा बनाती है। अपने इच्छा अनुसार आप बीज को डिस्टेंस कम बढ़ती कर सकते हैं। हाँ। और बहुत सफाई से इसमें काम सकता है, इसमें आराम भी बहुत है बेड वाली मशीन में। सुना है मजदूरों की अपेक्षा इसकी बुआई में अंतर भी आता है उपज में। हाँ, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें पैदावार में बहुत फर्क पड़ता है इसमें। इसमें ताकि जैसे कि इसमें खाद साथ में पड़ रहा है। हाँ। खाद साथ में पड़ने की वजह से बीज जहाँ पड़ रहा है वहीं पे खाद पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, काला पौधे में कोई बीमारी नहीं आती और अच्छा पौधा निकलता है, उसी के हिसाब से जो है पैदावार ज़्यादा होती है इसमें। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, मजदूरों की दिक्कत हर फील्ड में बहुत हो गई है, इसीलिए इसी पैसा के
इसमें मजदूर भी कम लगेगा और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, समय भी कम लगेगा। अगर आप इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं और आप अगर इसमें दो पैसे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आप इसे कमाई इसलिए ऐसे करेंगे, आप इसे लेकर के भाड़े पे चलाएं, इसमें अच्छा पैसा भी मिलता है। दिन में आप एक दिन में पाँच हज़ार की बुआई भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे किसान भाई बहुत सारे किसान भाई इसमें काम कर रहे हैं। इसकी कीमत थी तो आज का रेट क्या है? आज का रेट इसका 60,000 रुपए है। 60,000 ये बेड वाली मशीन का। और इसमें एक मशीन आती है गूल वाली। हाँ, ये मशीन जो है गूल वाली है। गूल वाली का मतलब? ये जो है दो लाइनें बना के चलेगी, 26-26 इंच की दो लाइनें। अच्छा, दो बेड बनाएगी। हाँ, दो बेड बनाएगी, वो सिंगल बेड बनाएगी जो आपको पहले दिखाई थी। अच्छा, ये दो बेड बनाएगी 26-26 इंच पर। हाँ, ये विदाउट फर्टिलाइजर है। मतलब इसमें खाद का सुविधा नहीं है? इसमें खाद की सुविधा नहीं है और विद खाद भी मिल जाती है, मतलब दोनों तरह की मशीनें मिल जाती हैं। इससे सस्ती है ये? उससे सस्ती है। कितने की? ये 50,000 की है। हाँ, किसान भाइयों, ये रेट जो है कम बढ़ती होता रहता है। हाँ, समय के अनुसार जैसे भी रेट बढ़ते हैं तो बढ़ जाते हैं, कम होते हैं तो कम भी हो जाते हैं। अभी इसका रेट 50,000 रुपये है। 50,000 उसका 60 है। उसका आप ज़्यादा ले रहे हो उसमें फर्टिलाइजर की वजह से, फर्टिलाइजर ज़्यादा है इसमें। ये सारी, और इसमें 70% तक बीज अपने आप ही चला जाता है। मतलब कैसे? ये 70% तक जब इसको खोलेंगे तो बीज अपने आप चलेगा इसमें। अच्छा, 70%। हाँ, और बस थोड़ा बहुत ही इसको सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए सर कितनी मजदूर की जरूरत पड़ती है? इसमें दो मजदूर इधर बैठेंगे, दो उधर, चार मजदूर चाहिए इसमें। इस मजदूरों से बचने के लिए कोई ऐसी मशीन बनाई है? हाँ, क्यों नहीं, ऑटोमेटिक मशीन इसके लिए हमने बनाई है। वो आपको दूसरी वीडियो में दिखाते हैं। ये क्या कह रखी है, नीले वाली भी है? ये सब ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक है। हाँ, सब ऑटोमेटिक। कोई किसान भाई घर बैठे खरीदना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? कैश ऑन डिलीवरी या पूरी पेमेंट ही करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताएं। ऐसा है, इसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप एडवांस भेज सकते हैं, RTGS NFT कुछ भी कर सकते हैं। कितना एडवांस भेजना पड़ेगा? आप इसे 50% एडवांस भेज सकते हैं। इसके बाद और उस ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग है और बाकी पेमेंट डिलीवरी के समय आपको डिलीवरी के समय NFT वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा, और मशीन आपके घर पहुंच जाएगी। अच्छा, अब हमें बताइए, पेमेंट का ट्रस्ट है कुछ? मतलब ऐसा तो नहीं कि आजकल किसान भाई हमसे पूछते हैं कि धोखाधड़ी बहुत चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी फर्म बहुत पुरानी फर्म है। अच्छा, और पूरी विश्वसनीय है। अगर पेमेंट के बारे में आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे यहाँ आकर के खुद आप आकर के मशीन ले जा सकते हैं। कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी मशीन? टाइम टू ये है कि ऑर्डर देने पे आपको 5 to 7 डेज में डिलीवरी मिल जाएगी। कोई किसान भाई वीडियो देख के डायरेक्ट आ जाता है तो एक दो मशीन तो उसको मिली? हाँ, तुरंत भी मिल सकती है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से? और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मशीनें बहुत बेस्ट हैं किसानों को सबको ऑटोमेटिक मशीन और का इस्तेमाल, मशीनों से इस्तेमाल करना चाहिए, खेती से इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कहाँ मजदूर, आजकल मजदूरों की बहुत परेशानी है और इसी लिहाज से आपको सब काम मशीनों से ही करना चाहिए, उसमें बेनिफिट। एक बार अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दो। हाँ सर, हमारा एड्रेस फूलबाग कॉलोनी सूरजकुंड रोड मेरठ है और मोबाइल नंबर 8218901495 है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।